हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्न चित्र में कितने वर्ग है, तो आपको बताना है दोस्तों कि इस फिगर में हम लोगों का कितना वर्ग है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को दोस्तों यहाँ पर जो ये फिगर देख रहे हैं, जब इसको आईना में यानी मिरर में दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, टोटल 18 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 229 है दोस्तों, जिसने पार्ट 228 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, यूएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, पटवारी, एलआईसी, यूएमटीएस, हवलदार, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि मधुमक्खी का संबंध यदि डंक लिखा है तो उसी प्रकार से सर्प का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि मधुमक्खी का क्या होता है, यानी विष वाला क्या होता है, उसका डंक होता है, तो उसी प्रकार से यानी सांप दोस्तों, यानी इसी को लिखा गया है यहाँ पे सर्प, तो सर्प का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का विष दंत होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी का क्या होता है दोस्तों, डंक होता है, उसी में उसका विष होता है, उसी प्रकार सर्प का यानी सांप का क्या होता है दोस्तों, विष दंत होता है, वही विष दंत से काटने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर में पूरा का पूरा विष फैल जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे, कि मधुमक्खी का क्या होता है, जिस प्रकार से डंक होता है, उसी प्रकार सर्प का क्या यानी सांप का क्या होता है दोस्तों, विष दंत होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर विष लगा देते हैं जो कि सरासर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग है, यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न चित्र में कितने वर्ग है, यही बात आपको बताना है कि इस फिगर में टोटल आपको क्या गो वर्ग है। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, अभी बताते हैं कि क्या गलती करेंगे। पहले हम आपको बता लेते हैं कि इसमें टोटल कितना वर्ग है। देखिए जैसे हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, वर्ग, तो वर्ग निकालना है, तो आप देखिए कहाँ कहाँ हम लोगों को वर्ग नज़र आ रहा है। तो देखिए एक वर्ग ई, देखिए यहाँ से अभी देखते चलिए ध्यान से, तभी आपसे हो सकता है, एक वर्ग ई देखिए यहाँ पर नज़र आया, उसी प्रकार से ई देखिए नीचे जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से ई देखिए ध्यान से देखते चलिए, दो वर्ग आ गया, उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ से दोस्तों यहाँ से ऐसे करेंगे तीन वर्ग आ गया, उसी प्रकार से इसके जस्ट ऊपर में ई देखिए यहाँ से एक चार वर्ग हो गया, तो चार वर्ग इसके अंदर में आप खाली ध्यान से देखते चलिए बस हो जाएगा आपका प्रश्न। यहां से इधर के टोटल शब्द को मिला देंगे दोस्तों, यहां से इधर के तो क्या को बन गया, यानी कि पांच वर्ग हम लोगों का क्या बना दोस्तों, अंदर में बना। उसके बाद अब देखिए आपको कहां देखना है कि अब इधर देखना है कि हम लोगों का कहां कहां और वर्ग बन रहा है। तो इसी प्रकार से इधर के एक वर्ग यहां से दोस्तों ध्यान देते चलेगा कि कहां से कर रहे हैं, इस तरीके से इधर के एक वर्ग यहां हुआ, उसी प्रकार से इधर से एक वर्ग हम लोगों का यहां से करेंगे, दो वर्ग हुआ, उसी प्रकार से इधर के ऊपर से इधर सटाएंगे
तीन वर्ग हुआ, और यहाँ से देखिए कोना पे जाएंगे चार वर्ग, और उसी प्रकार से दोस्तों एक बड़ा वाला वर्ग यानी कि यहाँ से देखिए इसको कहाँ लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पाँच हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों का पाँच और पाँच क्या हो जाएगा दस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दस हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैक्सिमम आंसर होगा और सोलह ऐसे टिक करके निकल जाएगा और बस एग्जामिनर आपको ऐसे करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वर्ग पूछा है कि आखिर इसमें कितने वर्ग है, तो वर्ग हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों दस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, बस कुछ भी नहीं, आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ से आप एकदम बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक वर्ग हो गया, यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो दो वर्ग हुआ, यहाँ से देखिए तीन वर्ग हो गया, उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे चार वर्ग हुआ, और पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक एकदम मिला के ऐसे ले लीजिएगा तो क्या गो हो जाएगा पाँच गो। और उसी प्रकार से जब इसके बाहर करेंगे दोस्तों यानी कि बाहर में हम लोगों का क्या गो देखिए यहाँ से लेंगे तो एक वर्ग, उसी बगल में देखिए एक वर्ग, उसी प्रकार से इसके बगल में एक वर्ग, उसी प्रकार से एक और पूरा एक बड़ा वाला लेंगे तो टोटल पाँच पाँच कितना हो जाएगा दस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है, तो जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए यानी कि पॉज कर लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर देखिए दो छोटा संख्या अगर लिखा रहे एक बड़ा संख्या दोस्तों यानी कि वही दो छोटा संख्या को या तो जोड़ करके लिखा हो, जैसे पाँच और चार को क्या हो सकता है जोड़ कर लिखा होगा 20 या गुना करके घटा करके, उसी प्रकार से दोनों संख्या को कुछ ना कुछ करके संख्या लिखा होगा, उसी प्रकार से ऊपर वाला दोनों से क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर वाला दोनों संख्या छोटा हो सकता है स्क्वायर करके लिखा हो सकता है गुना करके लिखा होगा हो सकता है कुछ घटा कर लिखा होगा, तो ऐसे करके आपको सोचना होगा तभी इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं क्या क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर, उसने कुछ नहीं किया दोस्तों ये देखिए पाँच और गुना जो चार है यहाँ पर करके भी दिखाएंगे, पाँच और गुना क्या कर दिया चार ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा दोस्तों बीस हो जाएगा। देखिए ना वही बीस यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से ये दोनों संख्या गुना कर देंगे तो आठ और गुना यहाँ पर कर देते हैं आठ गुना आठ कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा। तो देखिए यहां पर चौंसठ लिखा है कि नहीं लिखा, तो उसी प्रकार से जिसका हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है इसका तो ऊपर वाला गुना हो जाएगा यानी छ गुना छ, तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों छत्तीस हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा छत्तीस आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस ऊपर वाला दोनों संख्या को कुछ नहीं किया बस गुना करके लिख दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें यानी कि मिरर में देखने के लिए कर रहा है दोस्तों, ये आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके जो किया है ये दर्पण लगा दिया है यानी आईना लगा दिया है और कह रहा है कि जब आप इस फिगर को देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा ये बात आपको बताना है। तो आप कैसा यानी कि देखिए वर्ग है तो हम लोगों का क्या बनेगा सबसे पहले क्या बन जाएगा दोस्तों वर्ग जैसे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके का एक वर्ग बन जाएगा तो ठीक है। और अब देखिए जैसे तीर का निशान इधर से है दोस्तों तो हम लोगों का तीर का निशान किधर से हो जाएगा, देखिए आईना में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है यानी एक तरीके का पार्श्वर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले तीर का निशान है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा इस तरीके से एक तीर का निशान हो जाएगा, यहां पर ध्यान देते चलिए और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों जैसे एक जीरो इस तरीके से बना है तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इस तरीके से है यानी कि यहाँ पर जब इसको आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा यानी कि इधर से दिखाई देगा, आप ध्यान से देखते चलिए दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से आप फिर इधर से हो जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा तो इस तरीके का होगा दोस्तों। देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बस बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए ना कि आईना में तो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, पहले अगर ये आपको दिख रहा है यानी कि इस तरीके से ये जो यानी कि हम लोगों का ये तीर का निशान तो पहले तीर का ही निशान आएगा और जीरो आएगा, उसके बाद देखिए ये वाला है तो ये वाला इधर आकृति होगा, तो इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए वही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ईद के ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट नहीं कर पाएगा बहुत सारा स्टूडेंट ईद के। जैसे यहाँ पर आखिर W से N पे लिखा है, S से यदि J पे लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार O से लिखा है F पे, तो यहाँ पर क्या किया होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा ये बात आपको बताना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, W है, उसके बाद S है, उसके बाद O है, और इसी का संबंध लिखा है N, उसके बाद लिखा है J, और क्या लिखा है F, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है U, Q, और क्या लिखा है दोस्तों M। तो पहले देखते हैं ट्राई करके और क्या बनेगा, तो ठीक है ना, तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए अगर W से हम लोग जाएंगे दोस्तों N पे कितना लेटर कम करना होगा, तो ABCD में सोचना है। तो देखिए N है तो यहाँ पर इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9, अगर हम लोग यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, तो लग तो रहा है कि हाँ हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 9 लेटर ABCD में, अरे W से N पे आ रहे, तो आप जानते हैं कि ABCD क्या होता है, नंबर होता है A का एक। आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक 26 लेटर होता है, A का एक, B का दो, C का तीन, D का चार, इस तरीके से नंबरिंग याद करिए। उसी प्रकार W से यदि N पे आएंगे तो 9 लेटर कमी कर देंगे। उसी प्रकार ईद के S में जैसे ही आप S जान रहे हैं कि उसमें 9 लेटर माइनस करेंगे दोस्तों तो J आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O में क्या करेंगे दोस्तों, घटाना है, जैसे F पे आया तो O में घटाइए, O में एक लेटर घटेगा, N एक लेटर घटेगा हम लोगों का, M एक लेटर घटेगा, L एक लेटर, ऐसे घटाते चले, जैसे ही 9 लेटर आप घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर जैसे 9 लेटर आप घटाए तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो जैसे U में क्या कर लेंगे दोस्तों, 9 लेटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जैसे ही 9 लेटर माइनस करेंगे तो यू का कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, तो 21 होता है, तो इसमें जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। देखिए इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, एल हो जाएगा, 9 लेटर घटाना। उसी प्रकार से देखिए Q में क्या कर देंगे दोस्तों, 9 लेटर घटा देंगे, तो यहां पर 17 होता है, तो हम लोगों का अगर 9 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, H हो जाएगा। देखिए ना, क्यू में आप 9 लेटर माइनस कर ले, उसी प्रकार से M में क्या कर लेंगे दोस्तों, 9 लेटर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी LHD। आपको करना कुछ भी नहीं था, सब लेटर में 9 लेटर क्या कर देना माइनस, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कर देंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह LDH आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी गणितीय संक्रियाएं से। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, यहां पे कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, यहां पर लिख दिया है कि प्लस का अर्थ गुणन है, तो ठीक है, यानी कि जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह क्या ले लेना है, गुणन ले लेना, यानी गुणा ले। माइनस से अभिप्राय है दोस्तों भाग का, उस सब बात बोल दिया है कि जहां माइनस दिखेगा उसके जगह आपको लेना है क्या, भाग लेना। उसी प्रकार गुणा का अर्थ घटाओ, जहां गुणा दिखेगा तो उसके जगह हम लोगों के सामने क्या लेना है, घटाओ ले लेना है, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने जोड़। तो जहां कहीं भाग दिखेगा तो यहां पर ले लेते हैं भाग के जगह हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, जोड़ ले लेना है, तो यहां पर कर देते हैं भाग के जगह क्या लेना है, जोड़ लेना। तो बस इतना ही काम आपको करना है दोस्तों, और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, 9 प्लस क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 8, और भागा क्या लिखा हम लोगों के सामने 8, और माइनस क्या है दोस्तों 4, और गुना क्या 9। तो बस यहीं तक आपका क्वेश्चन है, और इसको अब देखिए अब इसको चिन्ह परिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, गुना, तो 9, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो भाग देखिए नीचे में लिखे थे, भाग का अर्थ है दोस्तों हम लोगों का प्लस, तो प्लस यहाँ पर ले लेंगे। माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाग, और यहाँ पर क्या कर देंगे 4, और गुना का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 9। बस इसी को आप सॉल्व कर दिया, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले काम होगा इधर हो जाएगा दोस्तों, 9 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का 72 हो जाएगा, और 8 में 4 से भागा दे देंगे तो 4 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा दो बार में, इधर हो जाएगा 9, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा बराबर, तो इसको जोड़ लीजिए, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 72 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 74 हो जाएगा। तो यहां पर एक स्टेप कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा आंसर, तो 72 2 हो जाएगा 74, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 9 कर देंगे, तो 74 को थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए। तो यहां पर जैसे ही 74 लिखा गया, 74 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 9, तो जैसे ही घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा
74 माइनस 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन 74 में जैसे ही 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 65, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला दिया है यानी सीरीज दिया है, तो इस सीरीज को पूरा करें। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए, हम आपको बताते हैं। जैसे M है तो M लिख लीजिए, उसके बाद O है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों Q, और यहाँ पर कोमा, उसके बाद लिखा है S U और क्या लिखा है दोस्तों W और कोमा, उसके बाद लिखा है Y, उसके बाद A और क्या लिखा है C, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आप ट्राई क्या किए होंगे कि कैसे इस प्रश्न, जैसे M से यदि S पे आएंगे, बस यही देखना है कि M से यदि S पे आएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर A से लेकर Z तक अगर इस तरीके से कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर वही काम होता है कि कितना लेटर जोड़ा या घटा है। M से यदि S पे आएंगे तो यहाँ पर 6 लेटर, क्योंकि ये देखिए M के बाद क्या होता है दोस्तों N O P Q R S, तो बिल्कुल 6 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 6 लेटर, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही प्लस 6 कर देंगे तो हम लोगों का क्या S के बाद क्या होता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 6 लेटर। उसी प्रकार से वाई में आप क्या करेंगे दोस्तों 6 लेटर जोड़ देंगे, जैसे ही वाई में 6 करेंगे तो वाई के बाद क्या होता है जेड होता है, तो एक लेटर और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर आ जाएगा अगर देखा जाए तो ई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। तो देखिए ई वाला कहाँ मिल रहा है, ई एफ से स्टार्ट हो रहा है, ई एक्स से स्टार्ट हो रहा है, ई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। तो बस एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, बस एलिमिनेट कर लेंगे आपका आंसर निकल। उसी प्रकार से देखिए ओ में क्या करेंगे दोस्तों, गया है यू पे तो यहाँ पे 6 लेटर जोड़ा है, क्योंकि ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो देखिए 6 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो यू के बाद क्या होता है वी डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद जेड, तो यहाँ पर भी 6 लेटर। ए में जैसे ही 6 लेटर हम लोग प्लस कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। बस आप सबको एक एक कर लीजिए ना, उसी प्रकार से क्यू में कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको क्या एक एक करके दिखाएंगे, अब आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि तरीका आप बता चुके हैं कि यहाँ पर आप 6 जोड़ दीजिए सर, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आप 6 जोड़ दीजिएगा, और सी से जैसे ही आप 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों आई। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझना था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, यदि किसी संकेतिक भाषा में यानी संकेत कर रहा है कि यदि देखिए सी ओ यू आर टी, तो यहाँ पर लिख लीजिए सी, उसके बाद ओ, उसके बाद यू आर और क्या दोस्तों टी, तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए 5 लिखा है, उसके बाद प्रतिशत लिखा है, उसके बाद एट द रेट लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3 और यहाँ पर लिखा है 8। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है टी आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर टी थोड़ा बढ़िया से लिख दिया आई, उसके बाद एल और क्या लिखा है दोस्तों ई, तो इसको क्या लिखा जा रहा है हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद देखिए सी सी इस तरीके से किया है, हाँ तो सी कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का एक डॉलर का निशान, उसके बाद 4 है, हम लोगों से पूछा किसका है दोस्तों देखिए सी, उसके बाद आई, उसके बाद टी और क्या लिखा है दोस्तों ई, तो बस अब यही करना है, इसका लिखना है हम लोगों के सामने। क्या आप नहीं लिख सकते हैं, देखिए सी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, सी के लिए क्या प्रयोग किया है 5 प्रयोग किया है, तो सी के लिए क्या कर देंगे 5 कर देंगे। आई तो आई कहाँ मिल रहा है दोस्तों, देखिए आई के लिए हम लोगों का सी यानी कि अंदर में इस तरीके से किया है, तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए देखिए दोस्तों क्या प्रयोग क्या है, कहां पे टी मिल रहा है, इधर के टी, तो टी के लिए 8 प्रयोग किया है, तो टी के लिए 8 कर देंगे। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए यहां पर देखिए 4 प्रयोग किया है, तो क्या कर देंगे दोस्तों 4 प्रयोग कर देंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5, उसके बाद सी 8, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस देखिए ना, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के प्रश्न का, बस इसी में सारा चीज दे दिया है, बस आपको छांट छांट कर लिखना होता है, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करा, आपको बताना कि आखिर इस प्रश्न का कैसे प्रतिरूप पूरा होगा। तो सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों का एक यहाँ पर वर्ग टाइप में इस तरीके से होगा, इसको बनाएंगे और इसी के अंदर में क्या आएगा दोस्तों, एक रेखा हो जाएगा, देखिए ना तभी तो पूरा का पूरा होगा, तो इस तरीके से होगा। तो देखिए इस तरीके से करने वाला, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर कौन सा है हम लोगों के सामने, तो
इस तरीके से तो सब में दिख रहा है। उसके बाद और भी आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, देखिए यहाँ से चल जाएगा दोस्तों ये रेखा इधर आ जाएगा और उसी प्रकार से ये रेखा हम लोगों का किधर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा और उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए और हम लोगों को क्या करना होगा, यानी कि नीचे से हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से और नीचे से हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिख रहा है, जल्दी से आप देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इस प्रश्न का यदि आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये कैसा फिगर कर दिया, यहाँ पर गौर कीजिए, ये देखिए कैसे इधर कर दिया, ये होबे नहीं करेगा बल्कि वहाँ पर एक वर्ग टाइप में होगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, ये हो ही नहीं सकता। इसमें भी देखिए ये कैसा यहाँ से एकदम फाँक कर दिया, इस जगह गौर से देखिए, ये होबे नहीं करेगा, ये तो और हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, देखिए जो जो आप फिगर में बनाए वो यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है, आप क्या प्रतिरूप को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ना वो फिगर कहाँ दिख रहा है, बस इतना आपको देखना है इसमें और आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए एक वर्ग बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से आप वर्ग ऐसे बनाएंगे, यहाँ देखिए ना, उसके बाद इसके अंदर में इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से करने वाला एक ही है। उसके बाद यहाँ से इधर चला जाएगा दोस्तों और ये इधर आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, दो गो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने। दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि चार में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जरूर ना एक अलग होगा, तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बस है, कार है, ट्रक है, तो देखिए ये सभी के लिए हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, बस हो गया, उसके बाद कार हो गया, उसके बाद ट्रक हो गया, तो ये सभी कहाँ चलते हैं, सड़क पर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सड़क पर चलने वाला है, यानी कि सड़क पर चलने वाला है, यहाँ पर कर लीजिए सड़क पर चलने वाला है। लेकिन हम लोगों का क्या, ट्रेन सड़क पर चलेगा, नहीं चलेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस हो गया, कार हो गया, ट्रक, ये सभी सड़क पर चलने वाला है, लेकिन हम लोगों का ट्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन के लिए क्या चाहिए, पटरी चाहिए, पटरी चाहिए, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, इधर अगर यदि किसी संकेतिक भाषा में, आप देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, बी ई जी को क्या लिखा है, 14 लिखा है, उसी प्रकार ए एम को लिखा है 14, इधर की कैसे कर रहा है, जी ओ डी को लिखा है 26, तो उसी प्रकार से बी ई डबल एल को क्या लिखा जाएगा, तो जरूर आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने B, तो उसको कर लीजिए, जैसे B है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है और क्या लिखा है दोस्तों, G लिखा है, तो इसको लिखा हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 14 लिखा है, तो आखिर क्या करने के बाद 14 हो जाएगा, तो जल्दी से आपको बता दें। उसी प्रकार से ए एम है, तो ए और एम को ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 14 हो जाएगा, उसी प्रकार से देखिए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सटा के ही लिखना होगा क्योंकि उधर लिखेंगे तो फिर हम लोगों का दिक्कत करेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं ए और एम, तो ए एम को ही क्या लिखा है दोस्तों, 14 लिखा है, तो ए एम को 14 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए गुड, जी ओ आर डी, गुड, गुड को क्या लिखा हम लोगों के सामने, 26 लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि बी ई और क्या है दोस्तों, डबल एल है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, तो अब उधर लिख लेंगे, अब उधर जगह हम लोगों के पास उतना है कि कर लेंगे। अब बात आया कि आखिर बी ई जी को कैसे 14 लिखा है, तो देखिए बी का कोड ए बी सी डी में कितना होता है दोस्तों, एक होता है, कैसे आप जानते हैं, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पांच, बस इसको याद रखिए, इसको कभी मत भूलिए। उसी प्रकार से ई का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, 5 हो जाएगा, और जी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, तो जैसे ही इसको जोड़िएगा देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, 7 5 12, ये देखिए अगर बी, अच्छा अच्छा बी का यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए माफी, बी का हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 2 हो जाएगा। यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए, बी का यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि ए का एक होता है, तो बी का कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, इस जगह 2 हो जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर करेंगे जैसे ए का कितना होता है, 1 होता है, उसी प्रकार से एम का कितना होता है, 13 होता है, देखिए 13 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो वही 14 लिखा। उसी प्रकार से जी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का, 7 होता है, प्लस का प्लस, ओ का कितना होता है हम लोगों के सामने, तो O का होता है 15, ABCD में देखिए ना O का स्थान। उसी प्रकार से D का स्थान कितना होता है दोस्तों, 4, जैसे ही इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 26 हो जाएगा। आप जोड़ना होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अब इसका पूछा है तो निकाल देते हैं, देखिए B का कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने,
दो हो जाएगा, ई का कितना होता है दोस्तों हम लोगों का पाँच होता है, और एल का कितना होता है दोस्तों बारह होता है, यहाँ पर बारह कर लीजिए, और इस एल के लिए फिर कितना आ जाएगा दोस्तों बारह हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे बारह कर लेंगे। तो जैसे देखिए बारह बारह चौबीस, और चौबीस इधर हो गया दोस्तों, चौबीस आ पाँच उनतीस, उनतीस आ दो कितना हो जाएगा इकतीस हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इकतीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है, उसने क्या किया कि कोड का नंबरिंग करके जोड़ दिया कि आखिर इस कोड का कितना नंबर होता है, इस कोड का कितना नंबर होता है, इस तरीके से करके लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया, तो कैसे करेंगे तरीका को समझिए। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों बारहवां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाले भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किया, लगभग स्टूडेंट ऐसे प्रश्न का आंसर लगभग गलती करते हैं, लेकिन तरीका को समझाने का प्रयास करेंगे। करें अहिंसा मानव का क्या है दोस्तों बुनियादी सिद्धांत है, यानी अहिंसा जो है हम लोगों का मानव का क्या है दोस्तों बुनियादी सिद्धांत। जब हम अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं तो निष्कर्ष लिखा, जब हम अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं अहिंसा से विश्वव्यापी, उसके बाद कह रहा है कि असामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अहिंसा मानव का क्या है दोस्तों बुनियादी सिद्धांत है, इसके बारे में कहा। जब हम अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं तो वहाँ पर समझने उमझने का कुछ है ही नहीं, तो ये बात डायरेक्ट गलत होगा निष्कर्ष। उसके बाद अहिंसा के विश्वव्यापी असामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे, देखिए वहां सिर्फ बोला है कि अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत है, वहां पर खाली सिद्धांत बोला है, कह रहा है कि जब हम अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं, इसके बारे में कहां कहीं दिया है कि अर्थ को समझते हैं या समझाने का प्रयास, वो सब कुछ लिखा ही नहीं है, तो डायरेक्ट गलत होगा। उसके बाद कर अहिंसा विश्वव्यापी, तो विश्वव्यापी के बारे में कहीं चर्चा है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां पर बहुत राष्ट्रीय कोई ए कोई बी कोई सी ऐसे ऐसे करने लगते हैं और यहां पर आंसर गलती हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए किस तरीके से घुमाने का प्रयास, एक ही पासा दिया है और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में हम देखे हैं कि आखिर इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। ये देखिए आपको बताते हैं, बस एक बार आप अपने से ट्राई करने का प्रयास कीजिए कि पांच के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिये ये जो है पासा दोस्तों हम लोगों का कौन सा पासा अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह एक मानक पासा, यहाँ पर बताते हैं कि आखिर कैसे मानक पासा। ये देखिए जैसे हम लोग कर लेंगे दोस्तों तीन अ प्लस पाँच कर देंगे तो पाँच तीन कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आठ हो जाएगा, ये तीन पाँच। उसी प्रकार से आगे जैसे करेंगे, ये देखिए छः और पाँच करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जा रहा है ग्यारह हो जा रहा है, तो यह एक क्या हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए और भी कर सकते हैं, जैसे छः और तीन, अब हम लोगों के पास कोई नहीं है जो कि हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पर ग्यारह छः तीन कितना हो जाएगा दोस्तों नौ, या एक क्या है दोस्तों हम लोगों का मानक पासा है। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यह एक क्या है दोस्तों मानक पासा है, क्योंकि नीचे एक प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में कह रहा है पाँच के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो यह एक क्या है दोस्तों मानक पासा है। क्योंकि मानक पासा कैसे, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का सब पासा देखिए छः से क्या चल जा रहा है ऊपर चल जा रहा है, तो इस तरीके से करेंगे तो पाँच के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पाँच के विपरीत फलक पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जब मानक पासा हुआ तो पाँच के विपरीत आप जानते हैं कि लूडो गोटी में क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि पाँच के विपरीत फलक, यानी कि यहाँ पर सब पासा देखिए हम लोगों का सात से, यानी कि एक तरीके से मानक पासा हो गया क्योंकि सब पासा सात से यहाँ क्या हो जा रहा है अधिक, तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दो क्या होगा सही, क्योंकि मानक पासा रहेगा तो मानक पासा में जो जिसके नीचे रहता है लूडो गोटी वही हो जाएगा, तो पांच के विपरीत क्या होता है लूडो का गोटी देखिए ना आप, पांच के विपरीत क्या होगा तो दो हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, एक सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में लिखा है। देखिए कह रहा है लालू मुन्ना से क्या है दोस्तों, लालू जो है मुन्ना से लंबा है, तो यहाँ पर कर देते हैं जैसे जैसे कह रहा है कि हम लोगों का क्या क्या, हाँ तो इस जगह बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एकदम जगह है देखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लालू जो है क्या बोल रहा है दोस्तों कि लालू जो है मुन्ना से लंबा है, तो लालू को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इस तरीके से कर लेते हैं, इस जगह कर लेते हैं हाँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों लालू, तो जैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे कि लालू जो है कह रहा है मुन्ना से लंबा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों मुन्ना, तो जैसे ही यहाँ पर कर लिए मुन्ना देखिए
देखिए लालू जो है मुन्ना से क्या है दोस्तों लंबा है, तो लंबा है लालू, यहाँ बोल रहा है कि लालू जो है मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से क्या है दोस्तों नाटा है, तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों मिताली, क्योंकि मिताली से क्या है नाटा है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए कि मिताली से क्या है नाटा है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि वानी जो है राजू से लंबी है और मुन्ना जो है वीना से क्या है दोस्तों लंबा, यानी मुन्ना जो है वीना से क्या है दोस्तों लंबा, तो कर लीजिए मुन्ना जो है यानी कि वानी से, तो यहाँ पर कर लेते हैं, बस देखते चले आप ध्यान से वानी से क्या है हम लोगों का, तो यहाँ पर कह रहा है कि मुन्ना जो है, यहाँ बोला है कि मुन्ना जो है वानी से क्या है लंबा है, और फिर बोला था कि वानी जो है राजू से लंबी है, तो वानी जो है दोस्तों हम लोगों का राजू से क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग राजू कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा राजू हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि सबसे नाटा या नाटी कौन है, तो सबसे नीचे कौन है, यानी कि नाटा या नाटी में पूछा जा रहा है सबसे कौन हो जाएगा दोस्तों, तो राजू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सबसे नीचे है वही आपका नाटा, जो सबसे ऊपर है वही सबसे आपका क्या है दोस्तों लंबा है, बस बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ हो क्या रहा है। साफ साफ बोला है कि लालू मुन्ना से लंबा है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर, देखिए लालू देखिए मुन्ना से लंबा है, तो लालू जो है मुन्ना से लंबा हुआ कि नहीं, जो लंबा है ऊपर कह रहा है कि मिताली से नाटा है, तो मिताली से देखिए नाटा हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि वानी जो है राजू से लंबा है, यानी वानी जो है दोस्तों, तो देखिए वानी जो है राजू से लंबा है, फिर कह रहा है कि वानी जो है मुन्ना जो है वानी से लंबा है, तो मुन्ना देखिए वानी से लंबा हुआ, जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कर दिए, बैठा दिए, कह रहा है सबसे नाटा नाटी कौन है, तो राजू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नहीं समझे एक बार फिर वीडियो को पीछे करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि चार में से तीन किसी तरीके समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे जगह, देखिए कैसे घुमा कर दिया, ये भी प्रश्न काफ़ी घुमा कर दिया है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं, कभी गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों इस तरीके से लगेगा, डी से यदि आप इसको कलर में ले लेते हैं ताकि समझ में आए, देखिए डी से यदि एफ में जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा, डी के बाद एफ होता है तो यहाँ पर प्लस दो कर देना है। उसी प्रकार से ओ के बाद देखिए यहाँ पर इधर से लिखा है कि ओ से यदि आप पी पे जाएंगे दोस्तों तो ओ के बाद पी पे जाएंगे तो क्या करना होगा हम लोगों को, प्लस कितना करना होगा दोस्तों, वन करना होगा, तो ऊपर लिख देते हैं प्लस कितना करना होगा, वन। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि डी पे जा रहे हैं तो प्लस कितना करना होगा हम लोगों के सामने, दो। उसी प्रकार के एल पे जा रहे हैं तो कितना करना होगा दोस्तों, प्लस वन। देखिए कैसे घुमा कर लिखा था कि आई से यदि जे पे जा रहे हैं तो प्लस कितना करना होगा, वन, और भी से यदि आप डब्ल्यू पे आ रहे हैं दोस्तों तो भी से यदि W पे आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना करना होगा, प्लस वन। देखिए ना आपको सारा चीज़ यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, प्लस वन प्लस। उसी प्रकार से देखिए F से H पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस दो, उसी प्रकार से R से यदि S पे आ रहे हैं दोस्तों तो प्लस क्या, वन। तो देखिए कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए एक बार वहाँ प्लस दो प्लस वन प्लस दो प्लस वन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस वन प्लस वन, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया था इस प्रश्न का आंसर, बस आपको तरीका को समझना था कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे, बस सोचना होगा कि लेटर वाला है तो एक दो तीन, क्योंकि ये ए बी सी डी पर ही आधारित है, इस तरीके से आपको सोचना होगा कि लेटर पर ही आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि निम्नलिखित एक दर्शाया दोस्तों, डायग्राम दिया गया और डायग्राम देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है, यानी कितने क्या है दोस्तों शिक्षित होना चाहिए और पुरुष होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का क्या बोल रहा है कि शहरी नहीं, तो शहरी नहीं है तो शहरी वाला हिस्सा को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, क्यों, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको आप यहाँ से डायरेक्ट आप बैंडेशन कर दीजिए ताकि आपको उसको देखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ बोल रहा है कि सर अब क्या क्या बोला है, शिक्षित होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों पुरुष, तो शिक्षित और पुरुष दोनों के अंदर में कौन आ रहा है दोस्तों, तो 11 ये देखिए आपको निसंदेह दिख रहा होगा शिक्षित और पुरुष में कौन सा कॉमन आ रहा है, 11 आ रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्न आप तुरंत कर लेंगे, वहां पर जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको एकदम काट कर हटा दीजिएगा कि उससे कोई मतलब, वहां पर बोल रहा है कितने शिक्षित है जो पुरुष है लेकिन हम लोगों का क्या है दोस्तों शहरी ने, तो शहरी वाला नहीं कहा है तो शहरी वाला हिस्सा को क्या कर देंगे, हटा देंगे इस तरीके से, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बस डायग्राम वाला प्रश्न को देखिए, फिर आगे इसी क्वेश्चन पे देखिए इसी पे हम लोगों के सामने यहाँ पर डायग्राम दिया है दोस्तों, देखिए
हम लोगों के सामने करा कि जिस प्रकार से देखिए सारी लोग इस तरह करा कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति है जो कि ना तो हम लोगों का लोक सेवक और ना ही शिक्षित और ना ही पुरुष लेकिन शहरी। खाली हमको क्या चाहिए दोस्तों, शहरी वाला हिस्सा। तो शहरी वाला हिस्सा आपको देखना है, तो शहरी वाला यानी कि सब में ना ना लग गया है, तो ना लग गया तो खाली शहर वाला हिस्सा देखिए। तो खाली शहर में हम लोगों का क्या बच रहा है दोस्तों, देखिए तीन जो देख रहे हैं तो तीन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा सही। ऐसे डायग्राम वाले प्रश्न आप तुरंत ही कर लेंगे, बस आपको समझना होगा। आप ये मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं। बस यही चक्कर में क्या कर देते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं कि यहां पर देखिए जिसमें ना लग गया तो उसको हटा दीजिए। करा कि जो कि ना तो लोक सेवक ना ही शिक्षित ना ही पुरुष, तो हम लोगों का करा लेकिन शहरी है, तो शहरी वाला में देखिए केवल तीन ही बच रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और भी प्रश्न देखिए इस डायग्राम पे तीन क्वेश्चन दिया था जो अभी पूछा था। ये देखिए करा कि निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कितनी महिला है जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है, यानी कि कितनी हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला है जो कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए और लोक सेवक। तो शहरी और लोक सेवक दोनों में देखा जाए दोस्तों कि कौन आ रहा है, तो देखिए शहरी भी होना चाहिए और लोक सेवक, तो महिला तो यहाँ कहीं है ही नहीं। देखिए कैसे फंसाने का प्रयास, महिला तो है ही नहीं, तो महिला को हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष के बारे में चर्चा है, तो महिला थोड़ी है। तो कह रहा है कि हम लोगों का शहरी एवं लोक सेवक, तो देखिए शहरी और लोक सेवक दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए 10 जो है दोनों में शहरी और लोक सेवक, शहरी और लोक सेवक, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस डायग्राम वाले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि कैसे होगा। यहां पर महिला के बारे में क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो महिला के बारे में क्यों लेंगे, तो यहां पर बोल रहा है कि तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।